हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मार्क्स इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टू मार्क्स हैं, वन मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आए ठीक है इन अ रियल बीम एट एन एंड द बाउंड्री कंडीशन ऑफ जीरो स्लोप एंड जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट एग्जिट इन द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बिम द कॉम्बाउंडी कंडीशन एट दिस एंड विल भी मतलब आपका जो रियल बिम है ना उसमें स्लोप जीरो है और आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है स्लोप जीरो है और आपका डिस्प्लेसमेंट जीरोट बिम में क्या जीरो होगा क्या 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 कंडीशन होगा शेफ इजल टू जीरो बैंडिंग मोमेंट इज इक्ल टू जीरो स्लो इजकल टू जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो स्लोप इजकल टू जीरो बैंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सॉरी ये स्लोप ज इक्वल टू जीरो एंड बेडिंग टू जीरो शियज इक्वल टू जीरो एंड वर्टिकल डिसमेंट इज इक्वल टू जीरो सो ये तो स्लोप ये आपका स्लोप और डिसप्लेसमेंट तो ये तो ऑलरेडी Zero है ये तो गिवन है तो कॉन्जुगेट बी में क्या होगा ऐसे से क्या होता है ये आपका स्लोप है एसे से क्या होगा एस से ए शियर फोर्स ठीक है एस से ए शियर फोर्स अगर ये आपका स्लोप जीरो है तो शीयर फोर्स भी जीरो होगा तो वाई से क्या होगा ये है? आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा ठीक है वाई से वाई मतलब किससे मिलेगा बेंडिंग मूवमेंट से मिलेगा तो अगर रियल बीम में वाई जीरो है इज डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कॉन्जुगेट बी में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है शीफ इज इक्वल टू जीरो बेंडिंग मूमेंट इज इक्वल टू जीरो ए इज द करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ टू स्पैन विद इंटरनल हिंज इज शोन बिलो दो स्पैन है उसमें आपका इंटरनल हिंज है कॉन्जुगेट बीम करस्पॉन्डिंग टू द बीम इसके करस्पॉन्डिंग इसके रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बीम पूछा गया है तो ये क्या आपका क्या ये आपका फिक्स्ड बीम है फिक्स्ड क्या हो जाएगा ये आपका फ्री हो जाएगा कहां कहां फ्री है एक फ्री है दो फ्री ये तीन फ्री ये फ्री है क्या तो डी आपका नहीं होगा तो इन तीनों में से होगा फिर ये आपका इंटरनल हिंज है इंटरनल हिंज की जगह क्या हो जाएगा या तो आपका हिंज हो जाएगा या आपका रोलर हो जाएगा यहां पर रोलर है ना यहां पर है क्या यहां तो कुछ नहीं है यहां पर भी कुछ नहीं है यहां तो हिंज का हिंज ही है तो ये क्या हुआ ए आपका करेक्ट होगा ठीक है बाकी भी चेक कर लेते हैं रोलर है रोलर की जगह क्या हो जाएगा हिंज हो जाएगा उल्टा हो गया जस्ट ये आपका हिंज है तो हिंज की जगह हिंज हो जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है इससे सिंपल क्या ही आएगा आपके दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है इससे सिंपल तो यही बात हो गई कि आपको फ्री में ही नंबर मिल जाए 100 मार्क्स का पेपर नहीं है 99 मार्क्स का पेपर हो रहा है और वन मार्क्स आपको पहले से ही मिल जा रहा है इससे फ्री इससे इजी मतलब तो यही हो जाएगा लेकिन ये सिंपल है ना लेकिन इसमें भी लोग गलत कर देंगे क्यों आता होगा उनको वो कोई डाउट नहीं है लेकिन जल्दी में या कोई कंफ्यूजन में आराम से आपको जल्दी भी करना है लेकिन इतना टाइम भी नहीं देना है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए कोई भी एग्जाम हो आपको केयरफुली सॉल्व करना है ठीक है सिंपल क्वेश्चन को तो और केयरफुली करना है ठीक है ओके सो वन मार्क्स में इतना ही था थैंक यू वेरी मच